कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रायपुर में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुई, जिसमें चुनावी रणनीति तय की गई। बैठक में आक्रामक प्रचार के तरीकों पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक का ब्यौरा मीडिया से साझा नहीं किया गया, लेकिन बैठक में शामिल वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बैठक में चुनावी रणनीति बनाए जाने के संकेत दिए। दोनों का कहना था कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। कि चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए। चुनाव के लिए कहीं कोई नए सिरे से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी पार्टी की अभी भी एक बैठक चल रही है और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हर नेता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आक्रामक प्रचार करेगी। राज्य सरकार की विफलता सारे वर्गों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं, बस्तर और सरगुजा में रहने वालों, मैदानी इलाकों में रहने वालों, शहरों में रहने वालों और ग्रामीणों की समस्याओं की जो उपेक्षा भाजपा सरकार ने की है, इसे कांग्रेस उजागर करेगी अपने प्रचार अभियान में और इसी की रूपरेखा आज बैठक में तय की।